वीर लक्ष्य प्राप्ति से पहले तुम रुकना मत, सत्य के पथ पर चलना, झूठ के आगे झुकना मत। वीर लक्ष्य प्राप्ति से पहले तुम रुकना मत, सत्य के पथ पर चलना, झूठ के आगे झुकना मत। एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सामने देखो, उसी को जियो। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। पलटा गया और आज बेला शहर में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से मनाई जा रही है। ये एबीवीपी के छात्र हैं और इसमें युवा नेता भी है, और आज देखेंगे हम ये सब है ना, ये जो है लोग पूरे अपने उत्साह के साथ धूमधाम से मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के महान दार्शनिक थे, जो जिन्होंने पूरी दुनिया को हिंदुत्व और अध्यात्म का प्रचार लहराया। उनका मानना था कि युवा किसी भी देश की वो शक्ति है जो देश को विकसित और दुनिया की ताकत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। उनके औजपूर्ण विचार और महाशक्तियत किसी भी वर्ग और धर्म के लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के फाइफ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के वकील थे, जबकि माँ भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन में रुचि थे। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద యొక్క 159వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. స్వామి వివేకానంద భారతదేశంలో జన్మించినప్పటికీ స్వామి వివేకానంద చికాగో వెళ్ళి హిందూ సాంప్రదాయం గురించి, అదేవిధంగా భారతదేశం యొక్క సాంప్రదాయాల గురించి, సంస్కృతి గురించి ప్రపంచానికి చాటి చేసినటువంటి మహనీయుడు, వేదాంత తత్వవేత్త, అదేవిధంగా స్వామి వివేకానంద అడుగుజాడలో ప్రతి ఒక్క యువత కూడా నడవాలని కోరుతాం. ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద యువతకు అనేక రకాలుగా చూపించిన, అనేక రకాలుగా దారిచూపించండి. మా యొక్క అదేవిధంగా ఈనాటి యువత కూడా ఆయన మార్గం నడవాలని కోరుతూ मौजूद एबीवीपी के छात्र हरीश, ओम प्रकाश, अजय, विनोद, दत्तू, प्रज्योत, प्रीतम, प्रशांत, सुनील और रामू बरकाड़े मौजूद थे। इकड़े पास रोहित అరి పూజ ఇటు చూడు రైట్ स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कैलाश नगर में जयंती मनाई गई। पार्टी के आदेशानुसार हमने प्रत्येक बूथ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसा बीजेपी वरिष्ठ नेता सुहासिनी रेड्डी ने कहा। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अल्लूरी नारायण रेड्डी, विजय, राकेश, वेणुगोपाल, लंका शीनू, चिप्पा गंगन्ना, अश्विन, अनीता, कांता, सफदर और मुकीम ने भाग लिया।